सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट वाले वीडियो में हमने ये वाला पेज कुछ डिज़ाइन किया था। अब हम क्या करेंगे, हमने ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए किया था, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सर्वर ऑन है अभी। आज मैंने स्क्रीन सारी पहले से सेट कर रखी है ताकि दिक्कत ना हो। अगर मैं यहाँ ऐप डेव में जाता हूँ तो देखो 404 डिस्प्ले। अच्छा, ये जो है ये मैंने खुद से नहीं लगाया है, ये आपको नेक्स्ट जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो आज हम ऐप डेव, यूआई यूएक्स और हैकिंग, इन तीनों के भी पेज बनाने वाले हैं। और जो ये वाला पेज है ये तो लगभग कंप्लीट है, बस थोड़े बहुत बटन करने हैं, वो सारा आज हम करने वाले हैं। ये रहा कोड। तो ये तो हमारा जो बटन है, मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे बटन ही लगा लेते हैं, बाय नाउ का बटन, एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कुछ इसी टाइप का हम बटन बनाएं यहाँ पे। तो फटाफट से चलते हैं कोड विंड में एंड कंपोनेंट्स, और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सैम्पल बटन है, ये वाला, एक सेकेंड, ये, हाँ ये, एंड एक ये आई गेस ये वाला सही रहेगा। क्या बोलते हो आप लोग? अरे लाइव थोड़ी है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसी वाले को लेता हूँ। ये वाली एनिमेशन मेरे को बहुत अच्छी लगती है इस वेबसाइट में। ओके, तो मैं इसको यहाँ, कौन सा बटन दबता है मुझसे? ये दबता है शायद, हाँ, कमांड बी। ओके, आया या नहीं? मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? ये आया नहीं है लगता है मेरे को। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ दिक्कत हुई है, बटन है तो सही, ये आ नहीं रहा। टेक्स्ट वाइट, वेट, क्या मैं अगर इसका टेक्स्ट ब्लू 800 करता हूँ मैं, दिखेगा? बस बटन यहीं पर है, बट उसका जो कलर है वो यहाँ पर नहीं है। वेट, ये हो रहा है ब्लैक। मैंने कौन सा वाला बटन लिया है? मैंने ये वाला लिया है, होवर बीजी वाइट। नहीं, यहाँ पर कुछ गलती है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। होवर टेक्स्ट वाइट, होवर टेक्स्ट ब्लैक नहीं करना है, होवर टेक्स्ट वाइट करना है। एंड जो बीजी है, बीजी वाइट लिखा है ना? यस, ओ नीचे वाला, हाँ, बीजी सियान 500। कोई इशू है वेबसाइट में, आप लोग अगर करो तो प्लीज़ देख लेना। ओके, थोड़ा सा और करना है। अब इसमें टेक्स्ट सियान 500 है, टेक्स्ट सियान 500, लेट्स सी। ओके, एक और चीज़ है, बॉर्डर का कलर। तो यहाँ पे बॉर्डर वाइट है, बॉर्डर सियान 500, आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी जो वर्थ है उसे हमें कर देना है फुल। डैट इज इट। यह एक और काम करेंगे हम यहाँ पे, फॉन्ट मीडियम है, फॉन्ट से हमें कुछ करना भी नहीं है, हमें टेक्स्ट को 3x करना है। एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके, सैम्पल बटन काफ़ी बड़ा हो गया है। कैपिटलाइज नहीं, अपर केस करते हैं, अपर केस। वाई टू कैपिटलाइज? नाइस राइट नाउ। मुझे तो गाइस ये काफ़ी सही लग रहा है, बस अब इस सैम्पल बटन को बाय नाउ। बाय दिस कोर्स, एंड ये यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। बाय दिस कोर्स,
एंड इस पे क्लिक करके हम इस कोर्स को ख़रीद लेंगे, वो अभी हमने सेट नहीं किया है, बट आई गेस इट्स ओके। यहाँ पे स्क्रॉलिंग ओके, यहाँ पे हम स्क्रॉलिंग को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि इस वाले पेज में आई गेस हमें स्क्रॉलिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओवर, लेकिन अगर हम फ़ोन वगैरह में देखते हैं, जैसे अभी तो हमने फ़ोन के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, बट हम बाद में करेंगे, तो फ़ोन के लिए सही नहीं होगा। बाय दिस कोर्स एंड ये कुछ ऐसा आ रहा है विच इज़ डेफिनेटली गुड। अब ये सेम चीज़ जो है, ये सेम चीज़ हमें करनी है वेब डेव के साथ, ऐप डेव और हैकिंग वगैरह में भी। तो मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, फाइंडर खोलूँगा अपना, आप जो अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर जो भी होता है वो सब खोल लेना, वैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर होगा। तो मैं फटाफट से डेस्कटॉप में जाऊँगा, अपने फोल्डर को खोलूँगा, कोडिंग आई स्टडी हमारी वेबसाइट, इसमें है हमारा पेजेस, वेब डेव, कमांड सी, कमांड वी, वी एंड वी दो है राइट। अब मैं इसमें वापस आ जाऊँगा एंड इंडेक्स डॉट जे एस खोल लूँगा, इसमें हमारा है हैकिंग, जिसमें हमने हैकिंग नाम दिया है। तो इसको मैं F1 F2, ओके मैक में ऐसा नहीं होता है, रीनेम करते हैं, इसको नाम मैं दूँगा हैकिंग, लेट्स गो। इसको भी मैं उसने क्या दिखाया था, एंटर था यस यस। तो इसको हम देंगे ऐप डेव, जैसे हमने वेब डेव दिया, एंड एक है ये रहा, इसको हम देंगे UI UX, लेट्स गो। यही था ना UI UX, ये ना मेरे को UI UX का श्योर नहीं है, सो हाँ ये UI UX है। तो अब हमारा UI UX खुल चुका है यहाँ पे, और UI UX के साथ मैं चाहता हूँ कि हैकिंग और ऐप डेव भी खुल जाए, ऐप डेव ग्लोबल कहीं भी खुल जाए भाई, UI UX। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे UI UX एंड यहाँ पे भी सेम टू सेम UI UX, हेडिंग लर्न UI UX/UX, डेवलपमेंट नहीं यार, इमेजेस ओके। तो हम इंडेक्स डॉट जी एस में से UI UX वाली इमेज कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये यहाँ से, अरे ओके एंड ये कमांड सी, अभी मैं कंट्रोल सी बोलने वाला था एंड अरे यार ओके एंड कमांड बी, लेट्स सी क्या हमारा UI UX वाला पेज चल रहा है। ओके ये रहा, तो बैक चलते हैं एंड लर्न UI UX, दैट्स इट गाइस, UI UX वाला पेज चल रहा है। ओके हमें यहाँ पे जो कोर्स की लेंथ है और जो कोर्स की रेटिंग है और ये सब भी हमें एज अ प्रॉप पास करना होगा, तो उस सबको भी हम करते हैं जल्दी से, बट उससे पहले ऐप डेव एंड वेब हैकिंग को भी हमें करना होगा। तो ओके गाइज, मैंने जितने भी हैं सारे पेज बना दिए हैं, आप देख सकते हैं, तो पहले से ही था ऐप डेवलपमेंट एंड यहाँ पर हमारा UI UX का भी पेज मैंने बना दिया है। अब मैं आप लोगों पे क्या छोड़ता हूँ, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कोर्स लेंथ और कोर्स रेटिंग, ये सब अभी हमें चेंज करना है। एंड मैं क्या चाहता हूँ, बाय दिस कोर्स के आगे प्राइस भी आए, बट वो सब अभी हम नहीं करने वाले, हो सकता है आप फ्री रखना चाहे कोर्सेज को अपने। तो अभी हम क्या करेंगे, कोर्स लेंथ, कोर्स रेटिंग और डिस्क्रिप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग का होमवर्क है, ये आपको करके देना है। एंड जो टाइटल है, वेब डेवलपमेंट मेड इजी बाय आई स्टडी, ये मैं चेंज करने वाला हूँ, और इसमें मैं सिर्फ जो वेब डेवलपमेंट लिखा है इसको चेंज करूँगा ताकि काफ़ी ईजी रहे, ये मैं अभी कर दूँगा काफ़ी आराम से प्रॉप्स की हेल्प से। तो मैं फटाफट से कर ही देता हूँ, इसलिए हम कंपोनेंट बनाते हैं, मेरे को हर एक में जा के नहीं करना, वो बात अलग है, मेरे को प्रॉप बनानी पड़ेगी, प्रॉप डालनी पड़ेंगी, बट हमें सिर्फ यहाँ आना है एंड वो मेरे को कर देना है। फटाफट से आता हूँ, ब्रैकेट में डालता हूँ, इसे हटाता हूँ।
डॉट इसको हम क्या गए, क्या गए इसको, ऊपर तो हमने हेडिंग दिया ना, इधर टाइटल देते हैं। ये काम करते हैं, हेडिंग क्या है हमारी, लर्न यू आई यू एक्स ईजीली, ईजी। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हेडिंग देने वाला हूँ, मैं बस इधर चेंज करने वाला हूँ, लर्न यू आई यू एक्स ईजीली बाय आई स्टडी ऑन विद द हेल्प ऑफ आई स्टडी एंड सी द मैजिक गाइस। इसको लर्न यू आई एक्स इजली विद द हेल्प ऑफ आई स्टडी। अब मेरे को प्रॉप्स भी डालने की जरूरत नहीं है, मेरा काम काफ़ी आसान होगा। जैसे लर्न वेब डेवलपमेंट इजली विद द हेल्प ऑफ आई स्टडी, लर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट इजली विद द हेल्प ऑफ आई स्टडी, लर्न हैकिंग इजली विद द हेल्प ऑफ आई स्टडी। तो ये सब हमने कर लिया। कोर्स नेम, कोर्स रेटिंग, ये डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने लॉरम इप्सम का सैम्पल टेस्ट डाला है, ये आपको खुद से करना है। ओके, तो ये जो हमने पेजेस आज बनाने थे सारा वो हम कर चुके हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया हो। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ये मेन पेज यहाँ पे कंप्लीट है। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज भी हम बना देते हैं, वरना कोई यहाँ जाए। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया हो। अब हम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज भी बना देते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई इस पे जाता है तो यहाँ एरर आता है, क्योंकि ये पेजेस ही नहीं है। अभी होम पे तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक होम पेज है। एंड आप देखिए नेक्स्ट जैसे कितना बढ़िया होता है रिलोड में, वैसे सफारी में पता नहीं चल रहा बट एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया रहता है। तो अभी हम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज बना लेते हैं जल्दी से। पेजेस में जाऊँगा एंड दो फाइल बनानी मुझे, अबाउट डॉट जे एस और कॉन्टैक्ट डॉट जे एस। ये दो फाइल्स मैंने बना ली, आर एफ सी ई करूँगा एंड ये तैयार है, सेम टू सेम आर एफ सी ई एंड ये तैयार है। तो अब हमें एरर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इस पे जा नहीं पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, मैंने अबाउट नाम से बनाई है। तो मैं जल्दी से इंडेक्स डॉट जे एस पे जाता हूँ। इस पे क्या दे रखा है, स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं स्लैश अबाउट पर। ऑल राइट, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ तो गलत किया है। ओके, अबाउट करता हूँ उसे, कमांड एस। ओके, तो मेरे को फाइल का जो नेम है वो कैपिटल नहीं देना था, कॉन्टैक्ट, दैट्स इट गाइस। अब मैं चाहूँ तो कॉन्टैक्ट पे भी जा सकता हूँ। ओके, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक सा काम। अब हमने सारे पेज बना दिए हैं एंड ये दोनों पेज हमारे पास मतलब कंप्लीट नहीं बनाए, बस ऐसे ही है, लिखा हुआ है। एक चीज़ और करूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ नेव बार नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ नेव बार सब में आए। तो उसके लिए मैं लोगों कंपोनेंट्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊँगा, नेव बार डॉट जे एस, आर एफ सी ई करूँगा अगेन। एंड अब मैं जाऊँगा अपनी इंडेक्स डॉट जे एस में एंड आपको याद होगा ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, ये हमने सिर्फ और सिर्फ नेव बार के लिए करी थी। एंड मैं सारा कॉपी करूँगा नेव बार का कोड कमांड सी एंड जल्दी से चलते हैं नेव बार डॉट जी एस के अंदर एंड कंट्रोल ए कंट्रोल बी, होम की जगह नेव बार एंड ये क्लोज करना है, दैट्स इट आई गेस। कुछ और भी रह रहा है, ओके ओके ओके, नाइस।
अब क्या बचा? ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार, दैट्स इट। स्टिल एन एरर, क्या है वो एरर? आई कैन नॉट सी। एंड सबसे पहले तो ओके गाइस, अब भी एक एरर आ रहा है। एक्सपोर्ट्स आई थी, एक्सपोर्ट्स मैं देख लेता हूँ ना index.js में जाके क्या रह रहा है। ओके, एक कर्ली ब्रेस रह रहा है, वो कर्ली ब्रेस हमें लगाना होगा यहाँ पर ऐसे, जस्ट लाइक दिस। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, दैट्स इट गाइस। एंड अब हम जाते हैं, कोई एरर तो नहीं है? चलो, एरर नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, तो इसको हम बस एक फंक्शन कर देते हैं, इसको हम बस एक फंक्शन कर देते हैं, दैट्स इट। index.js में आते हैं। index.js में आने के बाद इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, एंड पूरी हेड, पूरी हेडर को भी डिलीट करते हैं। कंट्रोल एस, कोई एरर? यस, कोई लिंक वेरिएबल है जो कि यहाँ नहीं अवेलेबल है, जिसको हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट लिंक, ये वेरिएबल नहीं है, इन स्लैश लिंक से इंपोर्ट जाएगा। एनी एरर? ओके, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आने नेव बार। और गाइज, हम इसको इस तरीके से करें तो देखो आप, यहाँ पे नेव बार आ जाएगी, बट हमें ये नहीं करना, हम इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड यहाँ से भी नेव बार में हटा लेता हूँ, इम्पोर्ट नहीं चाहिए। हम आएंगे अपनी ऐप डॉट जी एस में, पहली बार हम अपनी ऐप डॉट जी एस में आएंगे। यहाँ पे करेंगे इसको कंट्रोल एक्स, कमांड एक्स, नॉट कंट्रोल एक्स। एंड जस्ट ओके, गलती कर दी, हाँ अब से कंपोनेंट पेज प्रॉप्स पर, यहाँ पर हम अपनी नेव बार को डालेंगे, जिससे कि होगा क्या कि जितने भी पेज हैं सबके ऊपर ऑटोमेटिकली नेव बार आएगी। अब मैं वेब डेव पे जाऊँ, वेब डेवलपमेंट के ऊपर लिखा था, नोटिस किया होगा पहले वेब बार, नेव बार नहीं आ रही थी, बट अब सब जगह आ रही है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है। अब सब जगह पर नेव बार आ रही है, यूआई यूएक्स में भी चलते हैं। ओके, और अबाउट अस में चलते हैं। ओके, तो गाइस सब जगह पे वेब बार, नेव बार आ रही है, पता नहीं मैं इसे वेब बार क्यों बोल रहा हूँ, तो सब जगह पे नेव बार आ रही है। अब कोर्स रेटिंग हमने 5 स्टार्स लिख रखे हैं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम 5 स्टार्स लगाएं, तो जल्दी से लेके आते हैं कहीं से स्टार्स, 5 स्टार रेटिंग ही डाल देते हैं, 5 स्टार्स रेटिंग डॉट PNG। ये काम होते हैं, स्टार, हम स्टार डालते हैं। ओके, तो मैं ये वाला स्टार लेना चाहूँगा, फ्री पिक तरफ से फ्री स्टार है एकदम, तो हम इसे लेंगे। ये रहा वो स्टार, जल्दी शो हो जाओ, वेरी गुड। मैं इसका इमेज एड्रेस कॉपी करने वाला हूँ, एंड अब मैं जाऊँगा कोर्स पेज में। अब गाइज, यहाँ मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ इसे, बट आपका क्या टास्क है कि आपको इसे जो है प्रॉप के थ्रू भेजना है कि हमें 3 चाहिए या 4 चाहिए, एंड उस हिसाब से आपको यहाँ पे शो कराना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और हो जाता है तो वेल एंड गुड, मैं करके दिखा दूँगा। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट फ्लैक्स नाम से बनाऊँगा, बस फ्लैक्स, और इसके अंदर IMG SRC ये होगा, एक क्लास दूँगा जिसमें विड्थ होगी W, मैं लिखना चाहूँगा 50 पिक्सल। गाइस, जो आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है, मेरे लैपटॉप के फ़ैन की है, मैंने कोई फ़ैन नहीं चला रखा,
जल्दी से वेब डेव में चलते हैं। ओके, तो माइनर चेंजेस हमें करने होंगे। ओके, तो यहाँ पर फ्लैग्स हमने डाला, आइटम्स, बेसलाइन। ओके, लैपटॉप की स्पीड स्लो हो चुकी है जैसा कि मेरे को पता था कि होनी है थोड़ी देर में, तो ये अभी बेसलाइन पे नहीं आ रहा है। एच फुल करके देखते हैं, एंड कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेट्स सी। ओके, ये तो काम नहीं कर रहा। जस्टिफाई, नहीं, गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जो आइटम्स हमने बेस लाइन में कर दिया था, सेम टू सेम हमने यहाँ पे किया, तो जितने भी आइटम्स हैं वो नीचे जाने चाहिए। एंड आई गेस सफारी पे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, जल्दी से मैं उसे खोलता हूँ। लोकल होस्ट ब्राउज़र खुल जा, वेरी गुड, वेब डेवलपमेंट। एंड गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो सफारी नहीं है, स्टिल यहाँ पे कितनी तेज़ वेबसाइट कर रही है। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है आखिर। ओके, तो शायद मुझे समझ आ गया, ये जो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स है, एंड ये जो IMG है ये सिर्फ इतने एरिया में आ रही है, एंड जो बचा हुआ एरिया है वो जा रहा है। ये डिव की हाइट बेसिकली हमें फुल करनी होगी। ये ओके, ये दोनों H3 और डिव, H3 और डिव दोनों की हाइट हमें फुल करनी होगी। पर से चलते हैं, ये रही। ओके, तो ये वाली डिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, H H हम कर देंगे मैक्स, लेट्स सी। ओके, तो ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ एच मैक्स करने से। वेट, क्या ये अब वो हाइट मैक्स नहीं, स्क्रीन ये मेरे को पता है, मैंने बड़ा गंदा कोड लिखा अभी अभी, ये मेरे को पता थी यही होगा। ओके, तो हम इसे नहीं करेंगे, एच फुल, लेट्स सी, सही हो जाएगा ये अब। ओके, तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम इसको बेस लाइन से हटा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने आइटम्स बेस लाइन कर रखा है, हम आइटम्स सेंटर कर सकते हैं, एंड आई होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब जो फालतू की हमने एच फुल वगैरह डाली थी मैं उन्हें हटा सकता हूँ, एंड इट वर्क्स प्रॉपरली। हम इस वाले में भी एच आई थिंक आइटम्स बेस लाइन अगर हटा दें तो कोई इतना मेजर इश्यू नहीं होगा। आइटम सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर, और राइट, इसके साइज़ में आप देख सकते हो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो मैं इसकी हाइट को भी हार्ड कोड नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको आइटम पे बेस लाइन देने देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे भी 1 स्टार रेटिंग तो हमारी हम देंगे नहीं, इतने इतना इतना भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करना, ऑल्ट नो, ऑल शिफ्ट डाउन, यस, एंड दैट्स इट। कुछ एरर है, डेफिनेटली गलती हुई है। ऑल राइट, तो क्या गलती हुई है, ये हमने IMG को कॉपी किया है, क्या दिक्कत है फिर। कमांड शिफ्ट डाउन, ओके, कमांड शिफ्ट डाउन,
नहीं, कमांड शिफ्ट ऑन करना, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ बट ऐसा थोड़ी। नीचे 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 नीचे, ओके दैट्स इट। 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, आप अपने अनुसार रेटिंग दे सकते हैं जो आपको देनी हो। 4 स्टार कर दिया मैंने फिलहाल, 5 स्टार देना भी सही नहीं है, 7.5 घंटे का कोर्स है यूआई यूएक्स का। एंड आई होप कि ये हैकिंग में भी चला गया होगा, वेब डेव, वेब डेव। अभी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर जो है आप एक लूप चला सकते हैं जिसके हिसाब से आप इसको जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कुछ भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। एंड जो लूप की वैल्यू है कि 3 बार या 4 बार, वो आप ऐसा प्रॉप पास कर सकते हैं एंड फिर इजीली आप इसको जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने ये सब नीचे ये वाला सेक्शन लगाया, कोर्स रेटिंग दिखाई, इसको हमने एज अ प्रॉप पास किया, नैब बार हर पेज पर शो करी, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के पेज बना दिए, आई मीन बस पेज की फाइल बना दी। और इसे करने में भी आज हमने काफ़ी अच्छे से किया, काफ़ी एक अच्छा यूआई बनाया। एंड आई होप ये वाली वेबसाइट आपने ज़रूर चेकआउट करी होगी, यहाँ पर मैंने इसको अपडेट आई थिंक ये अभी तक रिफ्रेश नहीं हो रही, मैंने इसे अपडेट कर दिया था आफ्टर अपलोडिंग। ओके, हमने बस वेब डेव बनाया था, राइट। तो अब आपको ये और अपडेट मिल जाएगा, सारे आपका हो जाएगा। एंड ज़रूर से गाइस आप चेकआउट कीजिएगा बाकी सारी वीडियोस को भी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हाँ गाइस, आपको गिटहब पर सारा कोड मिल जाएगा, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप आ सकते हैं गिटहब पर, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और आप ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। एंड फिर ये रहा आई स्टडी यूट्यूब ट्यूट, एंड यहाँ पे आना है, कमेंट्स में जाना है, एंड देखो वीडियो सेकंड वीडियो फर्स्ट का, वीडियो थर्ड का भी मैं अभी कर दूंगा कमेंट, एंड आप वहाँ से कर सकते हैं। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो प्रोजेक्ट यहाँ पर भी दिख जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।